IPL 2017 ऑक्शन में कुछ गुमनाम और अनकैप्ड प्लेयर्स भी करोड़पति बने। तो आइए जानते हैं कौन है ऑक्शन के चार गुमनाम करोड़पति प्लेयर्स। तमिलनाडु के लेफ्ट आर्म पेसर टी नटराजन को IPL 2017 ऑक्शन में 3 करोड़ रुपए का जैकपॉट लगा है। ऑक्शन में उनकी बेस प्राइस 10 लाख रुपए थी, पर किंग्स इलेवन पंजाब ने नटराजन को 3 करोड़ रुपए में खरीदा है। 25 वर्षीय नटराजन ने सिर्फ 9 फर्स्ट क्लास मैचेस और 5 T20 मैचेस ही खेले हैं। तमिलनाडु प्रीमियर लीग में नटराजन की सटीक लाइन और लेंथ और डेथ ओवर्स में यॉर्कर फेंकने की क्षमता ने सबको हैरान किया, और यही कारण है कि ऑक्शन में भी फ्रेंचाइज ने भी उन पर जमकर बोली लगाई। नटराजन 3 साल पहले सिर्फ टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलते थे, पर अब वे IPL का हिस्सा होंगे। अफगानिस्तान के स्पिन गेंदबाज और गुगली मास्टर राशिद खान को IPL ऑक्शन में सनराइजर्स हैदराबाद ने पूरे 4 करोड़ रुपए में खरीदा है। राशिद की ऑक्शन बेस प्राइस 50 लाख रुपए थी, पर ऑक्शन में सनराइजर्स और मुंबई के बीच राशिद के लिए बिडिंग वॉर्स देखने को मिली और हैदराबाद ने उन्हें 4 करोड़ रुपए में खरीद लिया। दरअसल राशिद खान IPL में सबसे महंगे एसोसिएट नेशन प्लेयर बन चुके हैं और वे सनराइजर्स की बॉलिंग का एक अहम पहलू होंगे। राशिद ने अभी तक कुल खेले गए 21 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैचों में 31 विकेट झटके हैं। राशिद अफगानिस्तान के नानगरहर प्रोविंस से आते हैं, जो इस समय युद्ध की स्थिति से जूझ रहा है। 22 वर्षीय हैदराबादी क्रिकेटर मोहम्मद शिराज को सनराइजर्स हैदराबाद ने पूरे 2.6 करोड़ रुपए में खरीदा है। उनकी ऑक्शन बेस प्राइस सिर्फ 20 लाख रुपए थी। सिराज राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं। उन्होंने 2015 में हैदराबाद से रणजी टीम में डेब्यू किया और 2016 सीजन में उन्होंने कुल 41 विकेट लिए हैं। सनराइजर्स हैदराबाद शुरू से ही यंग टैलेंट को सपोर्ट करते हुए आए हैं और इस दफा मोहम्मद शिराज एक नई एडिशन है। कर्नाटका के ऑफ स्पिनर और ऑलराउंडर कृष्णप्पा गौतम को मुंबई इंडियंस ने पूरे 2 करोड़ रुपए में खरीदा है। उनकी ऑक्शन बेस प्राइस 10 लाख रुपए थी। गौतम ने अभी तक खेले गए कुल 20 T20 मैचों में 16 विकेट लिए हैं। गौतम के बिकने का मुख्य कारण ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टूर मैच में ऑलराउंड प्रदर्शन था, जहां उन्होंने नॉर्थन लियान और ओ कैफे जैसे खिलाड़ियों के खिलाफ ताबड़तोड़ प्रदर्शन किया था। गौतम हरभजन सिंह को अपना आइडियल मानते हैं और उनका बॉलिंग एक्शन भी हरभजन जैसा ही है। इन चारों खिलाड़ियों में से कौन सा खिलाड़ी IPL 2017 में ध्रुव का इक्का साबित होगा? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या ऊपर दिए गए कार्ड को क्लिक करके अपना वोट दें। IPL या क्रिकेट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स और वीडियोस के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।